बेतिया के वार्ड नंबर 1 में लाखों की लागत से पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन टंकी में पानी ना होने के कारण लोग परेशान हैं। बेतिया नौतन प्रखंड के संसरैया पंचायत के पर्वतीय टोला गांव के वार्ड नंबर 1 में लाखों की लागत से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी एवं नल पूरे गांव में दौड़ा दिया गया, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि अभी तक उस पानी की टंकी से एक बूंद पानी भी ग्रामीणों को नहीं मिल सका है और नल जल योजना के तहत इस पर खर्च होने वाले लाखों की राशि का निकासी लगभग 5 साल से अधिक हो गया, लेकिन इसका खोज पूरा करने वाला कोई नहीं है। बताते चले कि इस बार यह ग्रामीण इलाका अब नगर निगम क्षेत्र के नवगठित वार्ड नंबर 40 के अंतर्गत आ गया है, तो वहीं ग्रामीणों को अब यह भय सताने लगा है कि आखिरकार शुद्ध पेयजल के लिए जाए तो किसके पास जाए। इस समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीण रामू यादव, श्रीमती देवी श्याम यादव, जितेंद्र यादव, भागेश्वर यादव, गुड्डू यादव, भुवनेश्वर यादव, शारदा देवी आदि ने जिला प्रशासन और बिहार सरकार से लगे पानी टैंकी को चालू करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान अब कब होगा और कैसे होगा। बताएं, टंकी में नहीं चला कितने दिन से? वो एक महीना चलल, ओकरा बाद में ना चलल। गौरा का बनी है त एक और एक एक और वार्ड के हां आई हमार पट भसिर के बेटा तो रौरा का है, सचिव है कि का है? सचिव कुछ नहीं जमीन हम दे देला बा। रौर जमीन दाता है? अच्छा, तो ये बताई पानी ने मिलत है त ये ना का है? अब वार्ड जाने, सचिव जाने, वार्ड सचिव रौरा कहीं कंप्लेन कइले रहनी हो? हमार बेटा कहाँ कोई कंप्लेन का नाम रहू? शारदा देवी नाम है। तो सरकार से का मांग करता नहीं? अब सरकार से मांग करता नहीं, सरकार भी तो अब दे दलवानी जमीन, अब सरकार जंग मन करेंगे कर जमीन के मुआवजा अगर मिलो। हाँ, जमीन के थी मिलो हमारा। चलिए ठीक है, देख रहे छोड़ दिया। क्या प्रॉब्लम है बताइए तो? प्रॉब्लम है कि जब से लगा है नल जल, न टंकी में पानी है, न गांव में कहीं एक एक नल में कहीं पानी है। कोई पाइप का सुविधा बढ़िया नहीं है, ना नल का सुविधा बढ़िया है। जब सब पाइप टूट फूट गया है, क्या पता अभी तक टंकी में पानी ऊपर है कि नहीं है। जब से लगा है तभी से नहीं चल रही है। एक महीना चला, एक महीने के बाद आज तक नहीं चला है। आपका नाम? रामू यादव हुआ। रौरा का कहता नहीं? हम कहते नहीं जो कि हर महीना हर पंचायत में पैसा आया रिपेयरिंग का, जिसके द्वारा पर बोरिंग लगा हुआ है उसको भी पैसा आया, लेकिन नगर निगम में जाने के बाद इस पंचायत में पहले था, इसका देख रेख छोड़ दिया गया। आप ब्लॉक में जाना पड़ता है। आपके वार्ड में जो नल जल को लेकर काफी मतलब कि विवाद चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, बहुतेरे लोगों का कहना है कि पानी नहीं आ रहा है। हाँ, पानी नहीं आ रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम सत्य बात है, पानी आइए नहीं रहा है, सप्लाई इसका है ये नहीं है। जब से बस सिर्फ टंकी बन गया, बोरिंग हो गया, बस यही ले हुआ। रोड टूट गया, यही ले हुआ। नाला के ये थी जो है पाइप सब बिछा दिया गया है, उसमें भी कमी नहीं है। जितना कमी है यहाँ से सप्लाई हो ही नहीं रहा है। अब क्या कारण है, जो इसमें प्रेजिडेंट है, मालिक है, वो न बताएगा। अच्छा, इसके लिए जिम्मेवार आप किसको समझते हैं? जिम्मेवार तो जो बोरिंग कराया है, जिसके दरवाजा पर है, वो दोनों आदमी की जिम्मेवारी होना चाहिए। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम कहना यही चाहेंगे, जैसे ब्लॉक के द्वारा ये सब हुआ है, लेकिन ब्लॉक से इंक्वायरी कबू नहीं हुआ, पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वैसे ठेकेदार को पकड़ा जाएगा, जहां हुआ है वहां देखा जाएगा, तब ना पता चलेगा जी सप्लाई उसे मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा, आपका परिचय? जगत नारायण यादव, 1 नंबर वार्ड, पर्वतीय टोला गांव।